रहे थे कि बीजेपी शिवसेना को खत्म कर देगी, उनके वीडियोस हैं कि बीजेपी शिवसेना को खत्म कर देगी, हमें बीजेपी से सतर्क रहना चाहिए। और आज शिंदे क्या बोल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनके एक सहयोगी हैं, नाम लेना कोई बहुत जरूरी नहीं है, उनको ईडी का नोटिस आया। तुलसीदास भाई को पता होगा कि थाने में उनका क्या रसूख है, क्या रुतबा है। किसी जमाने में वो दिघे साहब के, आनंद दिघे के ड्राइवर थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन आज उनकी माली हैसियत क्या है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जो 10-10 साल के मंत्री हैं उनसे 10 गुना ज्यादा हैसियत है उनकी। और अगर ऐसे व्यक्ति को ईडी का नोटिस दिया जा रहा है, तभी से सुर बदले। ये जो सुर बदले हैं एकनाथ शिंदे के, ये 10-15 दिन से बदले हुए हैं। और मैं फिर कहूंगा कि जो निगोशिएशंस हैं किसी भी शिवसेना के, चाहे नेता जो बागी नेता हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, चाहे वो दीपक जी हों, या वो बाकी लोग हों, या सामंत हों, किसी के पास भी निगोशिएशन की पावर नहीं है, क्योंकि सब कठपुतलियां हैं, सब प्यादे हैं, सब मोरे हैं। सारी की सारी पार्टी के जो ये बागी हैं, ये हाईजैक हो चुके। ये मूवमेंट भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हकीकत ये। दीपक भाई, सतीश जी का सवाल है कि कुछ है तो नहीं, क्या ईडी की जांच कुछ विधायकों से, लेकिन ये थोक में जो इकट्ठे हो गए 39 से 39 या 37 से 37, इन सबके ऊपर तलवार है या इनके ऊपर गिफ्ट ऑफर है, एम्पायर गिफ्ट एम्पायर है। देखिए संजय भाई, मैंने 9 के बारे में आपको बताया था, लेकिन मेरा ये शक है, मेरा संशय है कि हो सकता है 20-22 लोग हैं, क्योंकि हमको इतना नहीं पता है कि कितनों को नोटिस। 9 लोगों को नोटिस दिया गया, 9 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई है, उनका इंटरोगेशन हुआ है, वो मैंने आपको बताया। वो 100 में जो 9 है, 16 में 9, अब ये 39 में कितने ऐसे लोग हैं जिनको इनकम टैक्स ने फाइल खोली हो, ईडी ने फाइल खोली हो, उनको बुलाया गया हो, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये प्योर एंड प्योर एक बारगेन है। और अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का चुनाव, अगर आप देखेंगे संजय भाई, पश्चिम बंगाल का चुनाव जब चिट फंड कंपनियों पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जिसमें तमाम तृणमूल के विधायक, तृणमूल के सांसद फंसे हुए थे, सीबीआई में उनका नाम आया था, पूरी जांच हो रही थी, उसमें भी ईडी कर रही थी, आपने देखा होगा कि एक मुश्त होलसेल थोक के भाव तृणमूल से नेता टूटकर भाजपा में आए। और उस वक्त लोग कह रहे थे, हमारे गोदी मीडिया के एंकर कह रहे थे कि अब अमित शाह और मोदी जी इस बार बंगाल को बदल देंगे, राजनीति पूरी बदल देंगे, क्योंकि तृणमूल आधे से ज्यादा टूट चुकी है। और बाद में क्या हुआ, जब चुनाव में ममता बनर्जी जीत गई, वही विधायक, वही नेता जो बीजेपी में आए थे, अपनी जांच वगैरह फाइनल रिपोर्ट वगैरह लगा के आधे से ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा 60-70% वापस चले गए, उसमें बाबुल सुप्रियो जैसे मंत्री भी वापस चले गए। तो वहां पर भी ईडी का कार्ड खेला गया, सीबीआई का कार्ड खेला गया। यही चीज आप देखेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, राजेश भाई बैठे हुए, चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ था कि सबसे पहले कमलनाथ के यहां छापा पड़ गया। यही चीज आपके उत्तर प्रदेश में हुई, चुनाव हुए नहीं, छापा पड़ गया, वो जो इत्र वाले थे और तमाम लोग थे। ये एक एक स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है मोटा भाई का। और मुझे लगता है कि मैंने पहले एक शब्द इसीलिए कहा था, एब्सोल्यूट पावर। जब सारी संस्थाएं आपके हाथ में होती है, तो हमें इस तरह के पैतरे राजनीति में देखने को मिलते हैं।